और बाबा साहब ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हिंदू कोड बिल में दिए, वो सारी चीज़ें हमारी देश की प्रत्येक महिला को पढ़नी चाहिए। जो गीता कुरान और इन सारी चीज़ों को पढ़ती हैं ना, उनको पढ़ने से पहले एक बार इस संविधान को पढ़ लेना, उन्हें गीता कुरान पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि गीता कुरान में एक एक किसी सिस्टम की सभ्यता लिखी हुई है, लेकिन यहाँ तुम्हारी जिंदगी जीने का रास्ता लिखा हुआ है, उसको पढ़िए ना, कैसे आप प्रगति करेंगे उसके बारे में आपको पता चलेगा। बाबा साहब ने चार चार बच्चों की कुर्बानी देकर, अपनी पत्नी की कुर्बानी देकर, अपने जीवन की कुर्बानी देकर वो वोट का अधिकार आपको कहा था कि मैं इसको सेफ रख लेना, चाहे आप सब कुछ खत्म कर लेना, लेकिन इस अधिकार को खत्म मत करना। इस अधिकार को खत्म कर लोगे तो आपका पूरा जीवन, आपके आने वाले भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आप साथ रवीना। आज 6 दिसंबर है, वही 6 दिसंबर जो बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहेब अपने विचारों के साथ हम लोगों को छोड़ गए थे कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और इस दिन के मौके पर हम 26 अलीपुर रोड पर मौजूद हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल पर मौजूद हैं, जहाँ इतने लोग उनको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए और उनको अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए यहाँ आए हैं। जितने लोग आए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से बाबा साहेब को जीवन को देखते हैं और आज भी उनके कौन से विचारों के साथ चलते हैं, क्या उनकी जीवनी में सबसे प्रेरक उनको लगता है और क्या प्रेरणादायक लगता है। क्योंकि हमारे साथ महिलाएं कुछ खड़ी हैं, महिलाओं के लिए बाबा साहेब ने कितना काम किया है वो चर्चा करने का विषय है ही नहीं, भारत में हर कोई जानता है बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए और बाकी सबके लिए कितना काम किया है। लेकिन फिर भी जब महिलाएं हमें मिलती हैं तो उनके मुंह से समझना, उनके मुंह से जानना कि वो किस प्रकार से बाबा साहेब को जीवन को देखती हैं, अलग ही आनंददायक होता है। तो इनसे समझते हैं चीज़ों को कि आज आए हैं तो क्या मन में लेकर आए हैं और क्या चीज़ें दिल में चल रही हैं। रजनी बोध जी हमारे साथ हैं, BSP के जोन कोऑर्डिनेटर हैं, उनके साथ पूनम अम्बेडकर जी हैं, दोनों से समझ लेते हैं चीज़ें। रजनी जी, आपसे शुरुआत करेंगे, आज 6 दिसंबर है, आप लोग यहाँ अम्बेडकर मेमोरियल पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जैसा कि हम सभी जानते कि आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन बाबा साहब हम सबको छोड़ करके इस दुनिया से चले गए, बट हम ये नहीं मानते क्योंकि वो छोड़ के चले गए, क्योंकि बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में इतना सब कुछ दिया कि हमें महसूस ही नहीं होता कि बाबा साहब हमारे साथ में नहीं है। जो भी हम कदम रखते हैं लगता है कि बाबा साहब हमारे इस कदम के साथ हैं, क्योंकि हर कदम को बाबा साहब ने मजबूत बनाया। खास करके महिलाओं के लिए तो बाबा साहब ने जी तोड़ मेहनत की, को बाबा साहब जब दुनिया में पढ़ लिखने के बाद जब उन्होंने सारी दुनिया का ऑब्जर्वेशन किया, उन्हें पता चला कि किस तरीके से इस प्रतिसत्तात्मक जो ये जो भारत भूमि जो बनी हुई है, जहाँ पर पुरुषों की जो बातों को अधिकतर ज़्यादा ऊपर रखा जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ हर जगह पर कदम कदम पर उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, उनको ऊपर उठने की बजाय उनको दबाने की कोशिश की जाती है। तो बाबा साहब ने ये सारी चीज़ों को जब ऑब्जर्वेशन किया, तब बाबा साहब को लगा कि मुझे कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। कहते हैं कि हमें किसी चीज़ को ऊपर उठाना है तो यानी कि जो चीज़ है उस चीज़ के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी वस्तु रहती है, उनको इक्वल लेके आप ऊपर आओगे तो लगेगा कि हाँ कोई चीज़ हमने कोई प्रगति की है, हमने कोई सफलता प्राप्त की है। तो बाबा साहब ने सोचा कि क्यों ना जिस देश के अंदर जो आदि संख्या की जो नारी शक्ति है या महिलाओं की जो संख्या है, उनको अगर हम बराबर का अधिकार, पुरुषों के बराबर का अधिकार या पुरुषों के बराबर लेकर के हम नहीं चलेंगे तो हमें लगेगा नहीं कि हमने भारत के लिए कोई काम किया या भारत को प्रगतिशील बनाया है। तो बाबा साहब की जो सोच थी वो बहुत ही दूर की सोच थी और बहुत ही मतलब इतनी उनकी जो कहते हैं सघन विचारधारा, तो बाबा साहब बड़े बहुत ही बारीकी से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया सारी चीज़ों को। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया, बट लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले उन्होंने कहा पहले मैं मजबूत जो करना है, मुझे महिलाओं को मजबूत करना है। तो बाबा साहब ने 1947 में हिंदू कोड बिल को बना करके पेश किया संसद के अंदर, उस पर डिबेट करवाई, और बाबा साहब ने जब उस पर डिबेट करवाई तो पता चला कि जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग थे, बाबा साहब ने केवल एक दबे कुचले समाज की महिलाओं के लिए काम नहीं किया, ये बात सारी दुनिया जानती है, लेकिन जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, और ख़ास करके वो महिलाओं को तो इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि आज जो वो घूंघट की जो
और दबे कुचले जो समाज की जो कुप्रथाएं थी उनसे निकल के जो वो बाहर आई है वो किसकी बदौलत आई है वो इस चीज का एहसास ही नहीं कर पाई है। मतलब आप मान रही है इस चीज को कि आज की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं इससे मतलब उनको अभाव है इस चीज का कि उनको किस तरीके की चीजें समझनी चाहिए और क्या चीजें उनको इतिहास में देखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको एहसास ही नहीं होने दिया, क्योंकि उनके साथ इस तरीके का काम ये लोग करते रहे, बर्ताव इस तरीके का करते रहे, उनको डरा धमका के रखना, उनको कहीं भी किसी भी पुरुषों के बीच में बोलने नहीं देना, कहीं पुरुषों के बीच में आने नहीं देना, डेढ़ हाथ का घूंघट लगा के रखना और कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, यानी कि वो अपने भले के मतलब घर परिवार के अगर बात करें बच्चों के फेवर की बात करें तो वो चीज भी कहने के लिए भी उनको परमिशन की जरूरत होती थी, परमिशन ना मिलने पर वो उफ तक नहीं करती थी। जब कोई एक बंदा अगर किसी अपने बारे में कोई बोल ना पाए और कुछ बोल नहीं पा रहा तो यानी कि उसको सीखने भी नहीं दिया जा रहा कि आखिर तेरे भले की चीज़ क्या है, तेरे सुख सुविधा की चीज़ें क्या है, उनके लिए तो डिमांड कर सकती है नहीं कर सकती, तो डिमांड तक तो पहुँचने ही नहीं दिया। तो बाबा साहब ने एक ऐसा कानून हम लोगों के लिए बनाया, हम तो बाबा साहब के हमेशा ऋणी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे बाबा साहब के कि उन्होंने जो हमारे अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी सुख सुविधाएं, अपने परिवार की सारी सुख सुविधाएं हमारे सिर्फ जीवन को अच्छा बनाने में झोंक दी उन्होंने, तो हमारे लिए तो बहुत महान है और खास करके महिलाओं के लिए तो सबसे ज्यादा महान है। क्योंकि सही बताया ना, क्योंकि हमारा जो देश है ना गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन हम तो अंग्रेजों के जो गुलाम थे उन गुलामों के भी हम गुलाम थे और उन गुलामों के भी हम गुलाम थे। जो हमारे जो दबे कुचले समाज के, जो दलित पीड़ित समाज की बात करते हैं, पुरुषों के भी हम गुलाम थे, क्योंकि हमारे पुरुष भी हमें दबाने का काम करते थे, वो भी नहीं चाहते थे कि औरतों को ऊपर उठा के बराबर लिया जाए। वो तो शुक्र है बाबा साहब के संविधान का जिन्होंने हमारे लिए ये सारी चीज़ें लिख के दे गए, जिसकी बदौलत आज हम पढ़ लिख करके समझ करके आज हम बराबरी करने का काम करते हैं। आज हम अपने ही परिवार में कहते हैं, जब कभी भी हमारे अधिकारों का हनन होता तो हम तुरंत बोल देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। हमारा भाई कहता नहीं, ये जमीन जो ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है ना मेरे पिता की वो मेरी हो, मैं ना 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 बाबा साहब लिख के गए, अब तो बेटी को भी मिलेगी तो मेरे बिना कैसे ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें सुविधाएं बाबा साहब ने हमको दी है और बाबा साहब ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हिंदू कोड बिल में दी है, वो सारी चीज़ें हमारी देश की प्रत्येक महिला को पढ़नी चाहिए। जो गीता कुरान और इन सारी चीज़ों को पढ़ती है ना, उनको पढ़ने से पहले एक बार इस संविधान को पढ़ लेना, उन्हें गीता कुरान पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गीता कुरान में एक किसी सिस्टम की सभ्यता लिखी हुई है, लेकिन यहाँ तुम्हारी जिंदगी जीने का रास्ता लिखा हुआ है, उसको पढ़िए ना, कैसे आप प्रगति करेंगे उसके बारे में आपको पता चलेगा। बिल्कुल, काफी सही बोला है पूनम जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे। इन्होंने तो पूरा एक इतिहास के तौर पर बता दिया कि बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए क्या किया है। जब हम आज की डेट की बात करते हैं तो हर बार जब ऐसे दिन आते हैं बाबा साहेब से रिलेटेड, क्या आपको लगता है कि उसी दिन लोग आते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं? पूरे इतने साल हो गए हैं, इतने सालों से उनके विचारों को हम संभाल पाए हैं। बाबा साहब के 67वें परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को सत्सत नमन। देखिए, अगर हम बाबा साहब को समझ पाते तो आज हम उस संविधान पर जिसकी बदौलत आज हम अधिकारों की बात करते हैं या नौकरियों की बात करते हैं या महिला की कहते कि मैं आज़ाद हूँ, महिला आज़ादी की बात करते हैं, तो सिर्फ उस संविधान की वजह से करते हैं या बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की बदौलत करते हैं। पर आज उस संविधान को ख़त्म किया जा रहा है तो क्या महिलाएं निकल कर आ रही है? मैं तो देखती हूँ कि महिलाओं की संख्या बहुत ही कम होती है, पुरुषों की ज़्यादा होती है। आज भी महिलाओं ने ही पुरुषों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। आज यहाँ पर देख लीजिए इतनी महिलाओं की संख्या कहाँ है जितनी पुरुषों की संख्या है। अगर ये बात महिलाएं समझ जाए कि भाई हम संविधान की बदौलत आज हम आज़ाद हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की होनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने जब उनके लिए हिंदू कोड बिल लिखा और हिंदू कोड बिल जब पारित नहीं हुआ तब उन्हें मौका मिला संविधान में, तो बराबरी की भागीदारी दे दी उनको, तो उस भागीदारी को लेकर स्वर्ण समाज की महिलाएं तो उस संविधान की बात को मानती हैं, बाबा साहब के लिखे जो अधिकार दिए हैं उनको स्वीकारती हैं और वो बड़े बड़े पदों पर बैठी हैं। आज हमारी महिलाएं क्या कर रही हैं? वही घंटे बजा रही हैं, वही धार्मिकता में घुसी हुई हैं, वही गीता पढ़ रही हैं, वही रामायण पढ़ रही हैं, वही महाभारत पढ़ रही हैं, वही सब देख रही हैं टीवी में। उन्होंने कहा कि हमने ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं इनको, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं मिला। आज जो मिला वो सिर्फ अंबेडकर जी के संविधान की वजह से। बेशक वो बाबा साहब का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन संविधान की बदौलत तो नौकरी पाती हैं, उन पदों पर जाकर बैठती हैं, और सिर्फ 50% की जो भागीदारी है महिलाओं की उसकी बदौलत ही बैठती हैं। तो इसका मतलब हमसे ज़्यादा तो स्वर्ण समाज की महिलाओं ने माना है बाबा साहब को। ये पूनम जी बोल रही हैं मैम कि बेशक बाबा साहब का नाम न लेते हो लेकिन संविधान को माना जाता है, लेकिन ये किस प्रकार की चीज़ होती है कि जब संविधान का नाम ही लिया तो बाबा साहब का नाम कैसे नहीं आएगा उसमें? देखिए, इसमें भी थोड़ी सी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जो इनका इंटेंशन है उसको जानने की कोशिश करें।
वो इस बात को तो एग्री कर रही हैं कि संविधान में जो लिखा है वो एकदम बढ़िया परफेक्ट लिखा है, इक्वलिटी की बात कही गई है कि पुरुष और महिला को एक जैसा माना जाए, जैसे पुरुष के राइट हैं वैसे महिला को राइट मिले, वो नौकरी कर रहा है तो मैं भी नौकरी करूं, तो ये सारी चीज़ें इनको तो एग्री कर रही हैं। लेकिन यहाँ भी अगर मैं थोड़ा सा हम घूमते तो यहाँ सिर्फ बात आ जाती है कि जिसने जो ये संविधान लिखा है वो जिस कम्युनिटी से आता है वो हमको नहीं पचता, क्योंकि यही चीज़ उन महिलाओं को सिखाई गई है इन मनुवादियों ने, कि जो कहते हैं ना कि ऊँच नीच छुआछूत और जो छोटी तबके से आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती चाहे वो कितना भी काबिल इंसान हो, तो वो ये छोटी संकुचित सोच है ना, उस सोच के कारण ये बाबा साहब का नाम लेने में कतराती हैं। आज भी आज की तारीख में भी बिल्कुल आज की तारीख में भी शर्म करती हैं, आज की तारीख में भी शर्म करती हैं। लाभ तो वो पूरा ले रही हैं, बाबा साहब के संघर्ष का फायदा तो वो पूरा उठा रही हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस काम के लिए अपनी पूरी जीवन लगा दिया, जद्दोजहद लगा दी, अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी बीवी को नहीं देखा, परिवार को नहीं देखा, ऐसी महिलाएं ऐसे शख्स के लिए अगर दो मिनट अगर उनका शुक्रिया अदा कर दें तो इनका क्या चला जाएगा, पर करें क्यों? तो वो कहीं ना कहीं वो एक मनुवादी सोच को ऊपर रखने के कारण जानबूझ करके वो बाबा साहब का नाम नहीं लेती, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेकर के वो अपने बात से पल्ला झाड़ने का काम करती है। ये तो बाबा साहब का एक कौन सा ऐसा विचार है, कौन सी ऐसी लाइन है जो आप अपने पूरे जीवन भर में लेकर चलती हैं, उसके हिसाब से ही जीती हैं? देखो बाबा साहब की लाइन की अगर हम बात करें, बाबा साहब की एक लाइन नहीं है, और बाबा साहब के विचारों को हम एक लाइन में समेट ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने एक लाइन लिखी नहीं है, उन्होंने बाबा साहब ने संविधान के अंदर हर एक लाइन में हमको सशक्त करने का काम किया है। तो मैं एक लाइन की अगर मैं बात कहूँ, सारे विचारों को बाबा साहब के विचारों को जोड़ने का काम कहूँ, तो भाई हमें संविधान को पढ़ लेना चाहिए। संविधान को जिसने पढ़ लिया वो कभी भी हार नहीं सकता, कभी भी डिग नहीं सकता, चलने से रुक नहीं सकता। बाबा साहब ने ये कहा था कि देखिए मैं आपको कितने भी अधिकार दे दूं, चाहे आपको बराबरी का दे दूं या आपको संविधान लिख के चले जाऊं या कोई भी कर दूं, हिंदू कोड भी लिख दूं, कुछ भी कर जाऊं मैं आपके लिए, लेकिन जिसकी सत्ता होगी, यानी कि जिसकी सत्ता होगी, राजा जो होगा वो सब कुछ ख़त्म करने का दम रखता है, तो मैं आपको एक चीज़ दे के जा रहा हूँ, वो है वोट का अधिकार। ये वो दुधारी तलवार है कि अगर आप चाहें तो उसे अगर सही तरीके से यूज़ करोगे तो दुश्मन का गला काटेगी, और अगर आपने उसको गलत यूज़ किया यानी कि उल्टा यूज़ किया तो वो आपका ही गर्दन काटने का काम करेगी। तो बाबा साहब ने वो वोट का अधिकार दिया था कि तुम चाहो तो अपना राजा बनाकर इन सारे अधिकारों को सेफ रख सकते हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लाइन सबको याद रखनी चाहिए, उससे आपके अधिकार भी, महिलाओं के 50% की भागीदारी भी, सब कुछ सेफ हो सकता है, यानी कि उससे आपका संविधान सेफ हो सकता है। उस संविधान में ही आपकी पूरी आज़ादी है, आपके आने वाली पीढ़ी की आज़ादी है, आपकी हर खुशहाली उसी के अंदर है। तो आप उस वोट को ना भूलें, उस वोट को बेचें ना, उस वोट वो आपकी बहुत कीमती है। बाबा साहब ने चार चार बच्चों की कुर्बानी देकर, अपनी पत्नी की कुर्बानी देकर, अपने जीवन की कुर्बानी देकर वो वोट का अधिकार आपको कहा था कि मैं इसको सेफ रख लेना, चाहे आप सब कुछ खत्म कर लेना, लेकिन इस अधिकार को खत्म मत करना। इस अधिकार को खत्म कर लोगे तो आपका पूरा जीवन, आपके आने वाले भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो दोनों अपने विचार सामने रख रहे हैं और किस प्रकार महिलाओं के जीवन में बाबा साहब इतना महत्व रखते हैं, सारे अधिकार उनको प्रदान करने का काम किया है, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। इतनी सारी भीड़ आज अम्बेडकर मेमोरियल पर आई है सिर्फ उनको देखने के लिए, उनकी जीवनी को समझने के लिए, उनका जो संघर्ष भरा जीवन रहा उसकी एक झलकी देखने के लिए। सबसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इसी प्रकार जनता के मुद्दे तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।